शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मिठाइयां व पटाखे वितरण किए गए। बेट माँ दीपावली के त्योहार की हर तरफ तैयारियां चल रही है और हर जगह इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से इसका रंग जरूर फीका नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी परंपरा को निभाने के लिए हर कोई लगा हुआ है। अमीरों का त्योहार कहलाने वाला दिवाली अगर कुछ गरीब एवं वंचित बच्चों के जीवन में उजाला कर दे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा ही कुछ प्रयास कुछ लोग द्वारा समय समय पर किया जाता है। उसी के अंतर्गत बेटमा से लगे गाँव खतेड़िया सारंग में देखने को मिला, जहाँ शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका बाल किशोरी जामोद द्वारा स्वयं के खर्चों पर स्कूल के बच्चों को फटाके व दीयों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार राजेंद्र सूर्यवंशी, विनोद यादव व राहुल देवड़ा उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को इनका वितरण कर दीपावली का महत्व बताया। फटाकों के वितरण के बाद सभी के लिए स्वल्प आहार की भी व्यवस्था जामोद मैडम द्वारा रखी गयी। बेटमा से राहुल देवड़ा की रिपोर्ट। आज दीपावली उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा उत्साह रहता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए दीपावली का त्योहार के बारे में इनको जानकारी दी गई, और दीपावली कितने दिनों बाद आती है और जाती है इसके बारे में, 5 दिन की होती है तो 5 दिन के अलग अलग महत्व होते हैं। उसके बारे में इन बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को बताया गया और उनकी खुशियों को मद्देनजर आज फटाखे वितरण भी किए गए और मिठाई मिठाई करवाया गया। इस तरह से दीपावली सभी लोग मिलजुल कर मनाए और जो भी हमारे मन में भेदभाव हो उसे मिटा करके खुशियों से मनाने के लिए प्रेरित किया गया सभी बच्चों को और गांव के जो नागरिक। आपका नाम? मेरा नाम बालकिशोरी जामोद है, यहाँ प्रधान के पिता।